हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर्यावरण भूगोल से, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट यूनिट से। पहली यूनिट में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जो आ सकता है, व्हाट इज एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल क्या है और इसका स्कोप क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन तैयार कर लेना है। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो है इकोसिस्टम, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या हैं, तो वो आपने ये क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट से केवल दो मैंने आपको टॉपिक बोले, एक है पर्यावरण भूगोल, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, और इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। चलते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोम्स, ठीक है, ये जरूर एग्जाम में आएगा, आप इसको तैयार कर लें। बायोम्स आपके सिलेबस में दो प्रकार के हैं, एक है माउंटेन बायोम और एक है डेजर्ट बायोम। तो आप दोनों में से कोई भी तैयार कर सकते हैं, चाहे माउंटेन बायोम है या डेजर्ट बायोम है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इस यूनिट से, सेकेंड यूनिट से एक और टॉपिक है जो है एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म, जिसको हम बोलते हैं वातावरण निश्चयवाद, ठीक है। तो वातावरण निश्चयवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको तैयार कर लें सेकंड यूनिट से, ठीक है। तो दो टॉपिक मैंने आपको सेकंड यूनिट से बताए, एक बायोम्स, ठीक है, और दूसरा है वातावरण निश्चयवाद, ठीक है, एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म। थर्ड यूनिट पे चलते हैं। तो थर्ड यूनिट में है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर एग्जाम में हर बार आता ही आता है, जैव विविधता, जैव विविधता ह्रास, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता को कौन कौन से मुख्य थ्रेट्स हैं, कौन से मुख्य चुनौतियां हैं, ठीक है, ये आपने तैयार कर लेना है बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा पॉल्यूशन से संबंधित टॉपिक्स हैं थर्ड यूनिट पे, तो एयर पॉल्यूशन के आने के चांसेस हैं इस बार बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आपने एयर पॉल्यूशन तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हो गए थर्ड यूनिट के। चलते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ। तो फोर्थ यूनिट में है चिपको मूवमेंट, हाँ जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिपको आंदोलन, ठीक है, जो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसके ऊपर ये जरूर एग्जाम में आ सकता है। और इसके अलावा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपने तैयार कर लेना है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर मैंने केवल 8 टॉपिक बताए हैं, दो दो टॉपिक हर यूनिट से हैं, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हर टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और ये सभी टॉपिक्स जरूर एग्जाम में आएंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।